तो सभी का बहुत बहुत स्वागत आज हम थोड़े से लेट जरूर हो गए हैं अपने लाइव सेशन में इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हम लोग लाइव नहीं आएंगे कभी कभी कुछ टेक्निकल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से एक दो मिनट अगर क्लास आपकी लेट हो भी जाए तो आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना आप थोड़ी देर वेट जरूर किया करें आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको बहुत समझ में आएगा और सभी पीछे के लेक्चर आपने देखे होंगे नोट्स बनाए होंगे हमेशा की तरह ही जो साथी ही यहाँ पर आता रहेगा अपनी अटेंडेंस कमेंट में आप लोग जरूर लगाना तो थोड़ी देर आप लोगों से चर्चा मैं जरूर करता हूं हमेशा की तरह ही चर्चा जरूरी है ताकि आपसे जुड़ सकूं और फिर मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकू आप सभी जानते हैं कि आपकी एक क्लास और चल रही है एस एस का बैच चलता है आपका दिन में चार बजे और ये क्लास भी आपकी रेगुलर होती है आज जो हम क्लास करेंगे यहां पर ये बहुत शानदार क्लास होने वाली है एक चीज और है भाई वेलकम uh, आपका एक्समानस जय जगन्नाथ अमर बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग बिल्कुल और कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर क्वेश्चन इंग्लिश में कराओ ठीक है अभी इंग्लिश में भी मैं इनको करवाने लगूंगा अभी टीम के पास थोड़ा सा लोड है उस लोड को जैसे ही कम कर देंगे टीम इंग्लिश में हिंदी में दोनों तरह से टाइप करके आपको क्वेश्चन यहाँ पे देगी तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा मौका दीजिए आप लोग थोड़ा सा मौका दीजिए एक नई शुरुआत है तो हमें भी थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है प्राचीपाल अमर सभी को राधे राधे सभी का बहुत बहुत स्वागत तो जल्दी से आप सभी लोग एक छोटा सा काम कर दीजिए वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से ताकि मैं आपकी चर्चा को आगे यहां पे स्टार्ट कर सकू और कमेंट में आप लोग एक बार जरूर बताएं अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है क्या वहां तक आपको कोई भी सवाल में अभी तक प्रॉब्लम आई है किसी कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ हो कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं क्या करूंगा जितने भी पीछे की क्लास हैं उनकी जो डाउट्स आपके बने हैं सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो वेबसाइट विजिट करते रहो जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर अपने डाउट आप मुझे भेजना ठीक है मेरी टीम जो है वो डाउट आपके देखेगी और मैं वो डाउट सारे कलेक्ट करके आपका एक दिन डाउट क्लास रख लूंगा सारे के सारे डाउट आपके मैं खत्म करा दूंगा ठीक है राजकश्यप वेलकम शर्मिस्टा नमस्ते नमस्ते ठीक है तो नमस्कार मैं सिद्धार्थ क्वेश्चन बहुत -बहुत मैं आपके सामने आज लाया हूं और सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे में आए हुए सवाल है हर एक क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है तो सारा का सारा आज इंपोर्टेंट है देख सकते हैं जैसे ही ग्रुप डी परीक्षा में आया ग्रुप डी में आया ठीक है तो यहाँ पर सारा का सारा आज क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है आज आपके साथ में ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से ठीक है इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होंगे आसान भी होंगे कुछ थोड़े से परेशान भी कर सकते हैं तो ये सभी मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पिछले सालों में रेलवे में आए ठीक है तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट सभी एक बार अब यहाँ पे ध्यान दीजिए लाइक वाइक आपने कर दिया होगा ठीक है राजा जी गुरु जी को प्रणाम बहुत बहुत प्रणाम भाई मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत स्वागत ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हर तरह के क्वेश्चन है आज लैंग्वेज वाले हैं ठीक है नंबर सिस्टम 99% खत्म हो चुका है तो देखो जरा, करना स्टार्ट करते हैं को। पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का जोड़ तथा गुणनफल क्रम से बारह और पैंतीस हो तो बताइए कि उनके अनुग्रहों का जोड़ कितना होगा देखो यहां पे इसका मतलब है रेसी प्रोकल ठीक है वित क्रम यहां पर इसका मतलब क्या है वित क्रम वित क्रम मतलब आप समझते हैं उल्टा रेसी प्रोकल तो यहां पर इस सवालों करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं ठीक है तो क्या करना है सिंपल सिंपल तरीके हैं ध्यान समझना है बस आप लोगों को दो संख्याएं हैं ए और बी इनका सम कितना दे दिया बारह और इनका मल्टीप्लीकेशन कितना दे दिया आपको थर्टी फाइव करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा इस सवाल के बिल्कुल सिंपल सवाल है ठीक है ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर भी आने लगा है बारह बटे पैंतीस ठीक है तो यहाँ पर मैं दो तरीके आपको शेयर कर रहा हूँ एक तरीका तो ये कि आप ए और बी की वैल्यू सोच लो पहले ही ए और बी की अगर आप वैल्यू लेके चलते हो सात और पाँच सेवन और फाइव ए और बी की वैल्यू ले ली तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे भाई सात प्लस पाँच बारह और सेवन इंटू फाइव पैंतीस तो यहाँ पर आपको करना क्या है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है आप क्या करेंगे दूसरा तरीका बताऊंगा चिंता मत करो ये मत सोचो कि मुझसे आता नहीं है दूसरा तरीका बता के चलूंगा तो सेवन इधर जाएगा फाइव इधर तो सेवन प्लस फाइव और नीचे कितना जाएगा थर्टी फाइव तो यहां पर ऊपर कितना आएगा सात पाँच बारह और नीचे कितना आएगा पैंतीस एक तरीका तो इसका ये हो जाता है कि आप लोग ए प्लस बी की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो ए और बी के मान दिमाग में सोच लो ठीक है जिससे दोनों ही इक्वेशन ये क्या हो जाए सेटिस्फाई हो जाए फिर वन अपॉइंट ए की वैल्यू रख दो वन अपॉन बी की सेवन फाइव ऊपर बारह आएगा नीचे कितना आएगा पैंतीस दूसरा तरीका क्या है चिंता मत करो एक सवाल तो जितने भी पॉसिबल तरीके हैं वो सारे बता के चलूंगा वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है इसको ही सॉल्व कर लो ऊपर बी जाएगा और ए जाएगा तो ऊपर लिख लेंगे ए प्लस बी और नीचे लिख लेंगे ए इंटू बी मुझे पता है आप आपने इस तरीके से किया होगा तो ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है योगफल है बारह और गुणनफल है पैंतीस तो ऊपर बारह आएगा और नीचे क्या आएगा पैंतीस आएगा ठीक है सभी लोगों ने कर लिया बिल्कुल रानोजय ज्योति अमर लोकेंद्र राजा बहुत बढ़िया ठीक है अंकित वेरी वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई शानदार सभी साथी लाइक वाइक कर दिया करो स्टार्टिंग में ठीक है सभी का आंसर सही है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा सभी लोग ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर टू देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर टू आज जल्दी जल्दी में पीडीएफ बना है थोड़ा टेक्निकल इशू है तो इसको मैं और हाँ एक चीज और एप्लीकेशन में इससे पहली जो क्लास है एस एस की पीडीएफ डाल दी गई है क्वेश्चन वहां पे कराए गए हैं परसेंटेज चैप्टर चला हुआ है जाओ और करना स्टार्ट कर देना अगर आप करना चाहते हैं तो यदि एक को दो भागों में इस तरह से विभक्त करने का मतलब है तोड़ना किया जाए कि दूसरा भाग दूसरा भाग पहले भाग के डबल से दोगुने से अधिक हो तो दोनों भागों को ज्ञात कीजिए सिंपल सवाल है ऑप्शन से आसानी से आंसर आएगा वो कह रहा है एक सौ अस्सी है दो भागों में तोड़ दो ऐसे भाग होंगे दो जैसे मान लो ऑप्शन से देख लेते हैं हम पे छप्पन है और एक सौ चौबीस है उसने कहा कि दूसरा भाग पहले भाग का अब इसको आप पहले भाग मान लो इसको दूसरा भाग मान लो या इसको पहला इसको दूसरा तो क्या कहा पहले भाग के दो गुने से अधिक कितना अधिक बारह अधिक हो दो गुने से बारह अधिक हो गई ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर ठीक है पहले भाग के दो गुने से यहाँ पे आएगा बारह अधिक हो आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी में काम हुआ है तो थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखना यहाँ पे बारह आएगा दो गुने से बारह अधिक हो ठीक है दो गुने से बारह अधिक तो ये ये क्या हो गया डबल हो गया छप्पन धुनी एक सौ बारह छप्पन दुनी कितना आएगा एक सौ बारह और प्लस बारह तो ये सवाल था ठीक है थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसको मैं सही करा दूंगा सारी चीज बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा यदि एक को दो भागों में इस तरह से विभाजित किया जाए दूसरा भाग पहले भाग के डबल से बारह अधिक हो तो पहले भाग का डबल किया 112 आ गया 112 में 12 जोड़ा कितना आ गया 124 सिंपल सवाल था ठीक है भाई शिवा प्रजापति राम राम मोनो लोकेन्द्र ठीक है ए आंसर है बिल्कुल सही है आगे चलते हैं अगले सवाल पे ए सही है ठीक है वेल डन ये सवाल तो सभी कर लेंगे आसान आसान सवाल है आगे चलते हम लोग देखो ये सवाल ग्रुप डी में, में पूछा गया था दो हजार तेरह में दो हजार तेरह में पूछा गया क्वेश्चन नंबर है अब देखो यहां पे ये वाला अभी थोड़ा सा पीडीएफ आज गड़बड़ हो रखी है लेकिन कोई बात नहीं है आप समझ सकते हैं हमारे दुख को क्वेश्चन नंबर ये है ठीक है ये प्रथम सात ये क्वेश्चन है प्रथम सात विषम संख्याओं का योग सिंपल है सात विषम संख्याओं का योग निकाल लोगे कुछ नहीं करना है इसमें आगे चलो पीडीएफ पीडीएफ ये वाली PDF आपको ऐप से मिल जाएगी जो क्वेश्चन मैं आपको बीच में छुटवाता हूँ वो क्वेश्चन आपके होमवर्क के होते हैं उन्हें करना आप लोग ठीक है तो उस चीज की आप टेंशन मत लो आगे चलते हैं ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे देखते हैं कौन इसका सही जवाब देगा क्वेश्चन क्या है वह संख्या जिसमें दो घटक घटक को कहते हैं पैक्टर है और वे एक से अधिक हैं अर्थात एक और स्वयं ही को कहा जाता है ये चार ऑप्शन है ठीक चार ऑप्शन आपके सामने है क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको पढ़ने में लेकिन ये क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है इसका ऑप्शन आप मुझे बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या है बेहतरीन सवाल है एकदम आपका ये ठीक है भाई सभी का बहुत बहुत वेलकम जय भीम राम राम जय जगन्नाथ राधे राधे नमस्कार ठीक है तो देखो ये सवाल है क्या थोड़ा अजीब है और ये पेपर में ऐसे ही आया जब मैंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा तो ये ऐसे ही सवाल आया आपका और लैंग्वेज बड़ी अटपटी है वह संख्या जिसमें दो घटक हैं यानी कि दो फैक्टर हैं दो घटक का मतलब क्या है कि दो फैक्टर हैं ठीक और वे एक से अधिक हैं देखो एक से अधिक भी कह रहा है बड़े अर्थात एक और स्वयं को कहा जाता है देखो ये अजीब सा क्वेश्चन बिल्कुल अजीब सा हो सकता है वहां पे लैंग्वेज गलत छप के आई पेपर में इसकी लेकिन इस क्वेश्चन का जो प्रीवियस अकॉर्डिंग आंसर है वो है यहां पे आपका कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर सेम ऐसे ही वहां पे आया था पेपर में डिट्टो ऐसे आया था बिल्कुल सेम गड़बड़ करके आए बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ये लगा के आएंगे अब आप कहोगे हम कैसे पहचानेंगे भाई देखो पेपर में अगर ऐसे आ गया तो फिर कौन क्या ही कर सकता है मजबूरी होती है फिर आपकी या तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर करना ही पड़ेगा या फिर आप छोड़ सकते हैं तो यहाँ पर समझो इस क्वेश्चन को दिमाग से निकालो यहाँ पे देखो इसका आंसर बुक में क्या दिया हुआ है रियल जो आंसर है प्रीवियस ईयर में जो पिछले सालों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मान्य किया गया है इसका आंसर कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर इसका आंसर मान्य किया गया कैसे ध्यान समझना कंपोजिट नंबर क्या होती हैं संयुक्त संख्या की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी कि मान लो चार है एक संख्या ये एक से कटेगी दो से कटेगी चार से कटेगी क्या कहा इसने दो फैक्टर हैं एक स्वयं अर्थात एक और स्वयं स्वयं वाला भी है और ये दो से भी कटेगी तो यहां पर इसके दो से ज्यादा फैक्टर है ये क्या हो जाती है कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर में मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है जैसे दो इसमें दो ही फैक्टर होते हैं जैसे एक और दो जैसे एक होती है आपकी तीन इसमें दो फैक्टर होंगे एक और तीन जैसे पांच एक और पांच ठीक है तो यहां पे ध्यान रखना सम और विषम तो आप जानते ही इसका तो आपको नॉलेज है ही तो यहां पे राइट आंसर था इसका ये तो थोड़ा सा इनकी परिभाषा क्लियर कर दी मैंने आपको जो अगर क्वेश्चन ऐसा आता भी है तो आप ध्यान रखें ठीक है थोड़ा अजीब है मैं जानता हूं आगे चलो जरा अगला क्वेश्चन ये ट्राई करो आप लोग ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन है तीन अंकों में से प्रथम अंक दूसरे अंक का दोगुना है और तीसरे अंक से आधा है यदि तीन अंकों का औसत छप्पन है तो प्रथम अंक और तीसरे अंक में कितना भेद होगा भेद का मतलब क्या है अंतर भेद का मतलब है अंतर ठीक है राजा जी ठीक है थैंक यू थैंक यू बनाएंगे जरूर बनाएंगे बनाएंगे ठीक है डोंट वरी रानो जय प्राची मोनू पवन मैक्स ज्योति शिवम ठीक है सभी का स्वागत लोकेंद्र ठीक है इस सवाल करिए एक बार बताइएगा क्या आंसर है ग्रुप डी में आया ठीक है ग्रुप डी में आया ग्रुप डी में आया तो तीन जगह सवाल आया है एक ही ईयर में ठीक देख सकते दो हजार तेरह में आया सवाल चलो भी करते हैं तीन अंकों में से प्रथम अंक भाई हमने तीन अंक मान लिए ए बी सी कहा गया प्रथम अंक दूसरे का दोगुना और तीसरे से आधा देखो प्रथम जो अंक है ए ये तीसरे का आधा है अगर तीसरे को चार मान लू तो इसको आधा मानना पड़ेगा सी को चार माना और तीसरे से आधा माना पहले को चार का आधा दो दूसरे अंक का दो गुना है यही जो पहला अंक है वो दूसरे का दो गुना तो अगर दूसरा एक है तो ये एक का दो गुना हो गया सिंपल क्या कहा तो प्रथम अंक और तीसरे अंक में कितना भेद होगा देखो चार में और दो में कितने का भेद है भेद का मतलब अंतर दो का अंतर है सिंपल सवाल है अभी यहां पे आई थिंक मिसप्रिंट है क्या सवाल ठीक है भाई जरा हाँ मिसप्रिंट नहीं है छप्पन दे रखा है सॉरी क्या कहा गया यदि तीनों अंकों का औसत छप्पन है तीनों का औसत निकालो चार और दो छत औसत आप सभी जानते हैं संख्या कितनी है तीन तीन से भाग देंगे तीनों संख्याएं मिल गई चार एक दो तीनों को जोड़ लो चार और तीन सात औसत में करते क्या है नीचे जितने अंक हैं मतलब जितनी संख्या है टोटल उतने से भाग करते हैं और औसत कितना है छप्पन ठीक है सातिकम सात और सात अठी छप्पन तीन इधर मल्टीप्लाई करेगा तो एक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी ट्वेंटी की वैल्यू जाएगी ट्वेंटी फोर आपसे क्या कहा गया तो प्रथम अंक और तीसरे अंक में कितना अंतर होगा बताओ जरा चार और दो में कितना अंतर है दो का अंतर है तो एक की वैल्यू चौबीस है तो दो की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 48. तो जो राइट right आंसर आपका आएगा यहाँ पर राइट right आंसर क्या होगा फोर्टी एट राइट आंसर होगा बिल्कुल ज्योति रानोजय पवन राजा लोकेंद्र वेरी गुड क्या बात है भाई सभी लोग बढ़िया आंसर कर रहे हैं ठीक है आगे चलते हैं टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा मैं आपका ठीक जिस सवाल में टाइम देना उसमें देंगे भी फालतू टाइम नहीं लेंगे आप ठीक है ये एक सवाल है इसमें बताओ ज़रा इकाई का अंक क्या होगा सिंपल सवाल है ग्रुप डी में आया दो हजार तेरह में एक्चुअली सवाल मिसप्रिंट है ध्यान देना मेरे पास इसकी ओरिजिनल पीडीएफ है इसलिए आज थोड़ा सा गड़बड़ है इसीलिए क्लास आज लेट हो गई जो हमारे एडिटर हैं उनको कुछ काम था तो क्लास एडिट सही से नहीं हो पाई ये है जरा क्वेश्चन ठीक मैंने आपको यूनिट डिजिट निकालना सिखाया था ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं इसकी अपडेट करके पीडीएफ हम ऐप में डलवा देंगे वहां से ले लेना इसको मत स्क्रीन इस लेना ऐप से ओरिजिनल पीडीएफ लेना बिल्कुल अपडेट ठीक है तो ये सवाल आप लोग बाद में करना ठीक है मैं नई नई सवाल लेके चलता हूं आपके सामने इकाईक में निकाल लेंगे ये सवाल करो आप ये सवाल थोड़ा अच्छा है सभी लोग इस सवाल को करो आज आपसे ही करवाने आया हूं मैं ज्यादातर सवाल करना भाई जरा बीच में अच्छे अच्छे सवाल भी आएंगे करो भाई जरा सभी साथी एक बार सवाल को हाँ पिछले सवाल का आंसर नो होगा मैक्स बिल्कुल सही जवाब है नो आएगा एक पिछले सवाल में नो प्रॉब्लम ठीक है जल्दी से आप लोग करिए भाई ये सवाल देखते हैं हम लोग सही है क्या बिल्कुल सही है एक धनात्मक संख्या को हम्म बिल्कुल सही बताइएगा जरा आंसर 2013 ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है ठीक है पिछले सवाल का आंसर नो था बिल्कुल सही जवाब सभी साथियों का अभी इस सवालों करिएगा अच्छा सवाल है कंफ्यूज करेगा लैंग्वेज वाला सवाल है थोड़ा सा कंफ्यूज आपको जरूर करेगा और मैं चाहता भी हूं कि आप कंफ्यूज हो जाए और फिर इस पर चर्चा की जाए ठीक है एक साथी ने आंसर कर दिया है अमर कुमार यहां कर रहे हैं वेरी गुड चलो भाई देखते हैं क्या स्थिति है क्वेश्चन की कहा गया है एक धनात्मक संख्या को यदि हजार में जोड़ा जाए अभी आपके पास चार ऑप्शन है यहां पे ठीक है ये चार ऑप्शन है यहां पर आपके पास वो कह रहे हैं कि इसमें से कोई एक धनात्मक संख्या ऐसी है जिसे हजार में जोड़े तो जो योग आएगा अब कोई नंबर इनमें से चार में से ऐसी होगी कि तो उसको यहां पे जोड़ना पड़ेगा तो उसने क्या कहा तो जो योग आएगा वह एक हजार को इस धनात्मक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हुई संख्या से एक अधिक होगा तो देखो जरा इसमें हम एक जोड़ देते हैं यहां पे एक जोड़ दिया हमारे पास कितना आ गया एक हजार एक आया ठीक अब मैं क्या करता हूं एक हजार में इसी एक से गुणा करता हूं तो कितना आया एक हजार आया अभी एक हजार से एक हजार एक कितना ज्यादा है एक ज्यादा है ना ठीक है यहां पर एक ज्यादा है तो यही वो कह रहा है यही उसने कहा यदि एक हजार में जोड़ा जाए जोड़ दिया एक को एक हजार में तो जो योग आएगा जो ये योग आया ठीक है वह एक हजार को इस धनात्मक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हुई संख्या से प्राप्त हुई संख्या एक हजार से ये क्या होगा योग एक अधिक होगा बस ये सवाल है ठीक है तो आप देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो गए होंगे एक आंसर आएगा ठीक है देखो दो ही ने आंसर किया इसका मतलब बहुत सारे सारे इस सवाल में कन्फ्यूज हो गए क्योंकि सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा इस तरह से सजाया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए ठीक है रानो जय अमर बिल्कुल सही जवाब है प्राची विशाल ज्योति मैक्स अंकित बहुत बढ़िया ठीक है भाई जरा आगे चलें आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को आगे चलते हैं अगले सवाल पर आगे देखते हैं भाई अगला सवाल ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन करिएगा भाई सभी लोग जब एक प्राकृतिक संख्या एन को ऐसा सवाल मैंने करा दिया सभी का आंसर चाहिए भाई मुझे करा चुका हूँ मैं सवाल में एनटीपीसी में आया देखो एनटीपीसी 28 अप्रैल को आया 2016 में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में तो मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको कराया है उस पर सवाल आएंगे पेपर में हर एक कॉन्सेप्ट सवाल आएगा ऐसा सवाल का कॉन्सेप्ट तो बहुत धुआंधार तरीके से मैंने आपको समझाया था आई होप कि आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे ऑप्शन है दो तीन चार जीरो देखते हैं सभी सबसे पहले आंसर कौन करेगा ठीक है यहां पर तीन आंसर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर टू आंसर आने लगा है वेरी गुड ठीक है भाई जरा एक बार देख लेते हैं सिंपल सवाल है आप लोगों के आंसर क्यों नहीं आ रहे भाई एन को भाग किया एन को भाग किया पांच से रिमाइंडर कितना आया चार अभी टू एन को भाग करना है टू एन को भाग करना है पांच से संख्या के साथ जो छेड़छाड़ होगी वही छेड़छाड़ रिमाइंडर के साथ होगी अगर संख्या को डबल किया गया तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा अब इस रिमाइंडर को भाग कर दो जब आप आठ को पांच से भाग दोगे तो शेष आएगा आपका तीन आएगा ठीक है तो राइट आंसर कितना होगा तीन होगा पिछले वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया इस पर छह सात आठ सवाल भी कराए थे बिल्कुल प्राची रानोजय अंकित ज्योति बिल्कुल सही जवाब वेरी गुड बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर है आपका ठीक है आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा ठीक है आगे चलते हैं भाई सभी लोग आगे चले करिएगा जरा अगला सवाल ये भी अच्छा क्वेश्चन है अक्सर ऐसे सवाल आपको YouTube पे बहुत कम कराए जाते हैं सभी लोग थोड़ा थोड़ा बता के और बस हो गया लेकिन मैं पूरा करा रहा हूँ आपको टॉपिक कुछ भी छुटवाने वाला नहीं है, कुछ भी 120 मीटर रस्सी को मापने के बाद यह पता चला मीटर छड़ तीन सेंटीमीटर अधिक लंबी थी बताइए कि मापी गई रस्सी की सही लंबाई कितनी है। अच्छा सवाल है और देख लो हाजीपुर में आया ग्रुप डी में 2013 में आया हुआ सवाल है देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन डालेगा इसका बिल्कुल पिछले सवाल का तीन आंसर सभी सही कर सही करने वेरी गुड बहुत ही बढ़िया चलो सभी का आंसर आ गया होगा इस सवाल का एक बार देख लेते हैं अच्छा सवाल है मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आएगी और पक्का आएगी 120 मीटर लंबी रस्सी है ठीक है देखो एक बात जरा देखो ये है माप मैं सपोज इसको एक मीटर बोल देता हूं एक मीटर बोल, बोल देता हूं इस पूरे को यहां से यहां तक लेंथ को इसको मैं क्या बोलता हूं एक मीटर बोल देता हूं क्वेश्चन क्या है एक मीटर लंबी रस्सी को मापने के बाद हमने एक मीटर लंबी रस्सी को मापा है अब किससे मापा है यह भी ध्यान रखो क्वेश्चन में कहा गया बाद में यह पता चला कि मीटर छड़ मीटर छड़ जो 120 मीटर लंबी रस्सी है उसको मापने के लिए हमने एक मीटर की छड़ का प्रयोग किया एक मीटर लंबाई की छड़ का प्रयोग किया लेकिन इधर गड़बड़ गड़ क्या हुई कि वो एक मीटर से तीन सेंटीमीटर और अधिक थी तीन सेंटीमीटर मैं यहां पे अलग कलर से बनाना चाहूंगा इसको इतना पार्ट जो है तीन सेंटीमीटर और अधिक था लेकिन ये हमें मालूम नहीं था हमें लगा कि ये एक मीटर ही है हमें क्या लगा ये एक मीटर ही है तो उसने क्या कहा तो बताइए कि मापी गई रस्सी की सही लंबाई कितनी है अब जब आप हर बार नापोगे तो तीन तीन सेंटीमीटर एक्स्ट्रा नापेगा ना जो 120 मीटर लंबी रस्सी थी वो 120 नहीं आएगी हर बार तीन तीन सेंटीमीटर उसमें ज्यादा आएगा तो गड़बड़ क्या हुई मापना था 120, 120 मीटर मापना था लेकिन हम हर बार 120 मीटर नापाना था तो हमने 120 बार छड़ को रखा होगा बार बार एक, एक मीटर दो मीटर तीन मीटर चार मीटर पांच मीटर हर बार छड़ को, को रखा होगा एक एक मीटर करके तो ऐसा काम हमने 120 बार किया होगा जो एक मीटर लंबी छड़ है उसको बार बार एक एक मीटर नापा होगा क्योंकि एक मीटर लंबी रस्सी है तो हर बार हमने छड़ का प्रयोग कितनी बार किया होगा एक 120 बार किया होगा तो तीन तीन सेंटीमीटर हर बार फालतू नापा होगा तो यानी कि 120 जो है 120 के साथ तीन सेंटीमीटर हर बार फालतू नपाई हो गई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 120 मीटर माइनस ये सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी ठीक क्योंकि 120 बार तीन तीन सेंटीमीटर वैल्यू फालतू आ गई कितना आ गया 360 सेंटीमीटर 360 सेंटीमीटर आई थिंक इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी सभी को ठीक है तीन आ गया इसको हम लोग क्या कर लेते हैं इसको हम सेंटीमीटर को मीटर बदल लेते हैं सो तो से भाग कर दो जब 100 से भाग करोगे तो ये आएगा थ्री पॉइंट सिक्स मीटर थ्री पॉइंट सिक्स मीटर तो एक सौ बीस मीटर में से थ्री पॉइंट सिक्स मीटर घटा देंगे तो कितना बचेगा एक सौ सोलह दशमलव चार मीटर ये राइट आंसर होगा ये राइट आंसर होगा यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे सही जवाब होगा एक सौ सोलह मीटर चालीस सेंटीमीटर एक सौ सोलह मीटर है और ये चालीस क्या है सेंटीमीटर ठीक है देखा इस सवाल का किसी का भी आंसर नहीं आया इसीलिए मैंने ये करा दिया अच्छा सवाल था और सवाल में कुछ है भी नहीं है कुछ भी नहीं है सवाल में रस्ती तो मापनी नहीं थी हाँ रानो जय एक सौ सो सोलह मीटर चालीस सेंटीमीटर यानी कि एक सौ सोलह दशमलव चार वन वन सिक्स पॉइंट फोर मीटर ठीक इतना आसान सवाल था और देखो किसी का भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं है तो इसलिए मैंने आपको यह सवाल कराना जरूरी समझा तो ऐसे सवाल भी आप लोग पेपर में करके जाएं आगे चलते हैं अगला सवाल है अच्छा सवाल है ट्राई करो भाई जरा सभी लोग एक बार ट्राई करो कुछ लोगों ने प्रत्येक द्वारा बराबर का योगदान कर तीन लाख रुपए की राशि इकट्ठा की यदि प्रत्येक आदमी पचास रुपये अधिक प्रत्येक आदमी पचास रुपये अधिक का योगदान देता तो योगदान की राशि साढ़े तीन सॉरी तीन लाख पच्चीस हजार तो योगदान की राशि तीन लाख पच्चीस हजार रुपये हो जाती है बताइए आदमियों की संख्या कितनी है बहुत अच्छा सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है एक बार ट्राई करो ठीक है एक बार ट्राई करो सभी लोग इसमें भी बहुत सारे साथियों को प्रॉब्लम आएगी मैं जानता हूं आज कुछ सवाल मैं बहुत बेहतरीन लेके आया हूं सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे में पिछले सालों में पूछे गए सवाल हैं देखना कि आज के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं इरिटेट करेंगे कंफ्यूज करेंगे चलिए भाई फिर करते हैं एक बार इस सवाल को अच्छा सवाल है देखो ये सवाल का सबसे बेहतरीन तरीका क्या करने का सबसे अच्छा तरीका आदमियों की संख्या ये हो सकती है ये हो सकती है ये हो सकती है ये हो सकती है होने को तो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है ठीक है होने को यहाँ पे कुछ भी हो सकती है इन चार में से लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं शुरुआत की लाइन पढ़ेंगे कुछ लोगों द्वारा प्रत्येक द्वारा बराबर का योगदान दिया मतलब हर आदमी ने मान लो दस आदमी हैं हर एक को सौ सौ रुपये मिलाने हैं तो यहां पर जितने भी आदमियों की बात हो रही है हर एक से बराबर बराबर रुपए लिए गए क्या कहा और जब रुपए लिए गए तो तीन लाख रुपए इकट्ठे हो गए उसके पास ठीक अभी देखो अगर पांच सौ आदमी है हर एक आदमी छह सौ रुपए दे तो तीन लाख रुपए इकट्ठे जाएंगे ठीक है छह सौ आदमी है हर एक आदमी पांच सौ रुपए दे तो तीन लाख रुपए इकट्ठे होने हैं पक्का अब यहां पे इन दोनों से 600 और 500 500 आदमी थे 600 600 रुपए देंगे तीन लाख रुपए इकट्ठे जाएंगे 600 आदमी थे 500 रुपए देंगे तीन लाख रुपए इकट्ठे जाएंगे लेकिन उसने क्या कहा अगर पचास रुपए की राशि और एक्स्ट्रा ले ली जाए तो ये जो राशि है ये तीन लाख पच्चीस हजार हो जाती है तीन लाख पच्चीस हजार हो जाती है देख लो बस अगर पचास व्यक्तियों से सॉरी पांच सौ व्यक्तियों से पचास पचास रुपए और एक्स्ट्रा ले लें पचास पचास और एक्स्ट्रा ले लें तो यहां से कितना धन इकट्ठा होगा पच्चीस हजार पाँच सौ लोगों से आप पचास पचास रुपए लोगे तो पच्चीस हजार धन इकट्ठा हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी तीन लाख पच्चीस हजार रुपये जबकि यहां से अगर आप पचास रुपए एक्स्ट्रा लेते हो हर एक व्यक्ति से तो यहां पर रुपए कितने इकट्ठे होंगे तीस हजार यहाँ पे रुपये इकट्ठे होंगे तीस हजार तो ये तीन लाख तीस हजार आंसर आएगा यहां से जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गलत है केवल एक ही ऑप्शन से तीन लाख पच्चीस हजार रुपए इकट्ठे होते हैं वो है ऑप्शन सी यानी कि पांच सौ व्यक्ति थे 500 सौ व्यक्ति थे ठीक है बिल्कुल यहाँ पर पांच सौ सही आंसर आएगा आपका लोकेंद्र वेरी गुड बहुत बढ़िया ज्योति मोनू बहुत बढ़िया सही आंसर है बिल्कुल रानो जय बिल्कुल सही बहुत बढ़िया भाई ठीक है थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग ठीक है ये सवाल भी आपका हो गया आगे चलते हैं अच्छे अच्छे सवाल हैं अभी देखते हैं आगे कौन सा सवाल है हाँ ये बहुत बेहतरीन सवाल है अभी देखो अच्छे अच्छे सवाल हैं बहुत सारे बीच बीच में ये अच्छा सवाल है देखो कब आया ये ये ग्रुप डी में आया 2013 में ट्राई करो सभी लोग एक बार तेल का एक बर्तन यानी कि कंटेनर चार बटे पांच भरा था जब उसमें से छह बोतल तेल निकाला गया फिर उसमें चार बोतल तेल डालने के बाद यह बर्तन तीन बटे चार बरा रह गया बताइए कि बर्तन में तेल की कितनी बोतल आ सकती है बहुत अच्छा सवाल है तेल की कितनी बोतल आ सकती है अच्छा सवाल है भाई ट्राई करो जरा एक बार सभी लोग ट्राई करो हाँ बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा सभी ने सही आंसर दिया वेरी गुड लीजिए यहाँ पे एक हो जाते हैं आप सवाल कीजिएगा ठीक है ट्राई करते हैं एक बार हम लोग इसको अच्छा सवाल है मुझे पता है बहुत सारे लोगों से नहीं होने वाला तेल का एक बर्तन चार बटे पांच भरा था देखो एक बात बताओ चार बटे पांच चार बटे पांच को अस्सी परसेंट मान ले क्या अस्सी परसेंट मान लेते चार बटे पांच को क्योंकि एक बटे पांच होता है बीस परसेंट और चार बटे पांच होगा अस्सी परसेंट अभी क्या किया हमने उसमें से छह बोतल तेल निकाला भाई छह तो निकाला और फिर क्या किया चार डाल दिया अब देखो ये तो खेल कर रहा है छह बोतल डाल रहा है चार निकाल रहा है इस तरह से छ निकाला चार डाला कुल चेंज कितना आया दो बोतल का अल्टीमेटली छह निकालने और चार डालने के बाद जो डिफरेंस आया जो फर्क आया वो दो बोतल का आया ना छह ना निकालता चार ना डालता केवल दो ही निकाल लेता तब भी बात सेम थी तो जो अस्सी परसेंट भरा हुआ था उसमें से दो बोतल निकाल ली उसमें से दो बोतल निकाल ली तो कितना बच गया टैंक तीन बटे चार भरा रह गया तीन बटे चार का मतलब क्या है पचहत्तर परसेंट बटे चार का मतलब क्या है पिछहत्तर परसेंट इतनी बात आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी करना क्या है करना क्या है आपको पिछहत्तर इधर लेके आओ दो इधर लेके जाओ पिछहत्तर इधर आया तो अस्सी में से घटेगा पचहत्तर कितना बचेगा पांच परसेंट दो इधर माइनस इधर जा क्या हो गया प्लस ठीक बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई क्या कहा गया बताइए कि बोतल कि बर्तन में तेल की कितनी बोतलें आ सकती हैं बर्तन जो भी होगा वह अपने आप में 100% परसेंट क्षमता का होगा ठीक है तो कितनी बोतलें आ सकती हैं? 5% परसेंट की वैल्यू दो है तो 100% परसेंट की वैल्यू दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे 20 से गुणा कर देंगे दोनों साइड इधर भी और इधर भी तो ये सौ की जो वैल्यू है कितनी जाएगी अपने पास चालीस पर चालीस यानी कि चालीस बोतल डालेंगे आप उसमें टैंक में चालीस बोतल आ सकती है ठीक है भाई सभी का आंसर बिल्कुल यहां पे। ठीक है वेरी गुड तो यहां पर देखो राइट आंसर होगा आपका 40। समझ में आ गया किसी का कोई डाउट तो नहीं है बिल्कुल रानो जय बिल्कुल चालीस आंसर है वेरी गुड बहुत बढ़िया एक दूसरा तरीका देखो इस सवाल का हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं यहां पे दूसरा तरीका क्या है देखो इसका दूसरा तरीका भी है मेरे पास समझना रहा ध्यान से करना क्या है चार बटे पांच ठीक है इतना भाग भरा था इसमें से छह बोतल डाली छह बोतल निकाली चार डाली दो का चेंज आया तो क्या करना है बस माइनस दो कर देना और बराबर कितना कितना रह गया तीन बटे चार रह गया ठीक है दो इधर लेके चले जाओ और इधर लेके आ जाओ तो चार बटे पाँच यहीं से भी कर लेंगे तीन बटे चार और इधर कितना हो गया अपना दो हो गया चार चौक सोलह और पाँच थिया पंद्रह यहाँ पे देखो चार चौक सोलह और पाँच थिया पंद्रह तो सोलह में से पंद्रह घटेगा एक बचेगा नीचे कितना आएगा बीस और बराबर कितना है दो बीस किधर गुणा करेंगे कितना आएगा अपने पास चालीस आएगा ठीक है टैंक तो एक ही था ना टैंक एक था तो उस एक टैंक में कितनी बोतल आ सकती है पानी की चालीस बोतल आ सकती है ठीक है तो इतना आंसर आ जाएगा आपका पानी या तेल जो भी कह रहा है इस तरह सॉल्व कर लेंगे ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई सभी का स्वाति प्राची रानोजय वेरी गुड मोनू बिल्कुल चालीस आंसर है बताओ इस सवाल ने परेशान किया कि नहीं किया आप लोगों को आई थिंक सभी को परेशान किया आंसर किसी का नहीं आया आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं भाई हम लोग अगला सवाल देखते हैं ठीक है ये सवाल तो आप कर लेंगे एक संख्या दे दी ऐसे ऐसे इसके गुणनफल में इकाई का अंक निकाल लोगे सिंपल है ऐप पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना वहां पे बीच बीच में जो सवाल छुटवा रहा हूँ सारे करके देख लेना अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं सच्ची लगन से आप मेहनत करते हैं तो आप पीडीएफ जरूर जाके देखेंगे वहां पे अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन चलो ये बता दो छोटा सा क्वेश्चन है बेसिक का मुझे पता कर डालोगे आप लोग इनमें से कितनी संख्याओं के इकाई के स्थान में छह आएगा बताओ ये रही संख्याएं कितनों के इकाई के स्थान पे छह आएगा सिंपल सवाल है बहुत सिंपल मेरे कराने का नहीं है ठीक है तो देखो पूछ रहा है चौतीस का स्क्वायर करोगे सीधा देख लो चार का स्क्वायर सोलह छह आएगा इसके के अंक में छ का स्क्वायर छत्तीस है ना छक्वायर छत्तीस आएगा ठीक है यहां पर भी कितना आएगा छब्बीस में भी छह आएगा और इधर चौबीस में भी कितना आएगा छ आएगा तो एक दो तीन और ये चार तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा आपका चार हो जाएगा चार संख्या ऐसी हैं जिनके इका में क्या आएगा छह आएगा सिंपल सवाल है ठीक है डी ऑप्शन में लिख देते थे नन ठीक किधर होगा हो कुछ था ही नहीं किधर ही क्या होना सबको पता है आगे चलते हैं ये तो मैंने ऐसे ही करा दिया आपको ये देखो ये सवाल करके लाना होमवर्क है आपका ठीक है होमवर्क है सवाल होमवर्क एच डब्ल्यू ऐप में जाना और करना मुझे पता है अच्छा सवाल है और बहुत सारे साथी गलत करेंगे मैं इसको डाउट क्लास में रखूंगा फिर आगे चलो ये सवाल सही है ठीक है इस सवालों करो भाई सभी लोग ये सवाल करो अच्छा सवाल है ठीक है भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपना तीन संख्याओं में पहली दो संख्याएं तीन संख्याएं मान ली एक दो तीन ए बी सी मान ली ठीक है पहली दो संख्याओं का जोड़ कितना है पहली दो का जोड़ है पैंतालीस अच्छा सवाल है आप भी ट्राई करें दूसरी और तीसरी संख्या दूसरी है बी और सी इनका योग कितना है पचपन फिर क्या कहा तीसरी संख्या और पहली संख्या के तीन गुना तीसरी संख्या क्या है, दूसरी है, दूसरी है और सी और पहली क्या है ए इसका तीन गुना कितना है नाइन्टी तो बताइए कि तीसरी संख्या कितनी है तीसरी मान लो सी है तीसरी संख्या हमने क्या मानी है सी सी निकालना है सिंपल है क्या करना होगा तीन से कटेगा तीस बार तो सी प्लस ए की वैल्यू कितनी आ गई है तीस अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पे ध्यान समझना इसको मैं हटा देता हूं कुछ इस तरह से कहानी है हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू पैंतालीस है बी प्लस सी की वैल्यू पचपन है सी प्लस ए की वैल्यू तीस इन तीनों को जोड़ दो हम लोग क्या करते हैं इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ए कितनी बार आया दो बार ए यहां पर ए यहां पर टू ए बी यहां पर बी यहां पर टू बी सी यहां पर सी यहां पर टू सी तो ये हो गया टू ए प्लस बी प्लस सी पचपन पैंतालीस कितना हो जाएगा सौ और तीस एक सौ तीस इतना आ गया इससे काट देंगे कितना आएगा पैंसठ तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा आपका पैंसठ आएगा ठीक है पैंसठ आ गया कोई दिक्कत नहीं है वैल्यू निकालनी है सी की तो ए प्लस बी का मान कितना है ऊपर देखो ए प्लस बी का मान है पैंतालीस तो यहाँ पे पैंतालीस रख देंगे हम लोग पैंतालीस प्लस सी मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा ये सवाल पैंतालीस इधर जाके घटेगा तो सी की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे बीस आ जाएगी सी की वैल्यू आएगी बीस तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बीस हाँ वेरी गुड लोकेंद्र ज्योति बहुत बढ़िया आंसर होगा सी बीस आंसर आएगा ठीक है ठीक है स्वाति वेरी गुड मोनू बहुत बढ़िया रानो जय बहुत बढ़िया सभी का बीस आंसर आ रहा है सिंपल सवाल था देखो एग्ज़ाम क्लियर करना है तो जितने भी इजी सवाल आते हैं वो तो सारे करने ही पड़ेंगे इजी तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पे लेकिन जो थोड़े से ऊपर लेवल के सवाल आएंगे उनको भी करना पड़ेगा आज के टाइम में कंपटीशन बहुत हाई हो गया है कोई भी एग्ज़ाम हो ग्रुप डी हो एनटीपीसी हो कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे का या रेलवे से अलग भी एस एस सी एम टी एस ओ सी एच एस एल ओ ओ हर जगह बहुत बुरा हाल है ठीक है आगे चलते हैं सभी का बीस आंसर ठीक आ रहा है भाई आगे देखते हैं ये करो भाई ये ठीक सवाल है ठीक क्या बिल्कुल आपके लिए करने का है बस देखो कहाँ आया ग्रुप डी में आया सवाल ग्रुप डी में आया करो तो जरा एक बार इस सवाल को भाई पांच सौ दस रुपये में तीस कलम और पचहत्तर पेंसिल खरीदी गई पेंसिल का औसत मूल्य दो रुपए है तो कलम का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं सिंपल सवाल है जल्दी से करो देखते सबसे पहले कौन आंसर बताएगा यहां पर तब तक मैं आपके कमेंट पढ़ता रहता हूं देखता है भाई कौन आंसर देगा सबसे सही सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेट आंसर किसका आएगा जल्दी सभी लोग आंसर बताइए भाई क्या कर रहे हैं आप लोग तेईस है बहुत आसान सवाल है जल्दी आंसर दो तो सभी साथी देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल सही आएगा ज्योति रानी बारह अच्छा वेरी गुड देखते हैं भाई पांच सौ दस में पांच सौ दस में क्या मामला है तीस कलम है तीस कलम को कैसे लिख लेते हैं और पिछहत्तर पेंसिल है पेंसिल फोर पी और एक पेंसिल का औसत तो मूल्य कितना है दो रुपए सिंपल सवाल यार तो कुछ करना ही नहीं था जब एक पेंसिल दो रुपए की है तो पिछहत्तर पेंसिल कितने की होंगी डेढ़ सौ की तो डेढ़ सौ इधर से घटा दो एक पेंसिल दो रुपए की है पिछहतर पेंसिल डेढ़ सौ की होगी डेढ़ सौ इधर से घटा दो कितना बचेगा तीन सौ साठ और बराबर कितना बच गया तीस के जीरो जीरो कट गया तीन से कटेगा बारह बार तो के की वैल्यू कितनी आएगी बारह तो के फॉर कलम कलम का औसत तो मूल्य कितना आएगा यहाँ पे बारह रुपए राइट आंसर हो जाएगा बारह ठीक है प्राची मोनू लोकेंद्र ज्योति रानी ठीक है सभी का सही जवाब है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन ये करो ये अच्छा सवाल है ये अच्छा सवाल है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इसको करो सभी लोग ये सवाल अच्छा है मेरी ओर से इंपोर्टेंट है ये सवाल देखो ग्रुप डी में आया ग्रुप डी में आया दो में और दो में एक बार ट्राई करो एक बार रांची आया एक बार चंडीगढ़ आया देखते हैं इस सवाल का सही आंसर कौन करेगा बिल्कुल रानो प्राची वेरी गुड बहुत बढ़िया सभी का आंसर बारह आएगा बिल्कुल जब आप सब लोग सवाल सही करते हैं तो सच में बहुत खुशी होती है भाई अभी इस सवाल को करके डबल खुशी बढ़ाओ हमारी आंसर बोलो क्या आएगा बेहतरीन सवाल है अच्छा है। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग हैं तुमसे अब तक आंसर नहीं आया ऐसे तो काम नहीं चलेगा ऐसे काम नहीं चलेगा जल्दी से आंसर करो नाम गंदा कर रहे हो है हमारा है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा कितने गंदे बच्चे इसकी क्लास के आंसर भी नहीं करते चलो देखो क्या सवाल था एक आदमी के पास पार्सल में पैक करने के लिए अमुक संख्या में छोटी पेटियां हैं छोटी पेटियां छोटी पेटी 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 समझते हो ठीक अगर वह पार्सल में तीन चार पांच या छह पेटियों की दर में पैक किए जाए तो उसके पास एक पेटी बाकी होगी देखो अगर वो तीन पैक करे चार पैक करे पांच करे छह करे तो इस तरह से एक पेटी बच जाती है हर बार लेकिन अगर वह सात पेटियों की दर में पैक करे सात पेटियों की दर में पैक करे तो कोई भी पेटी नहीं बचती जीरो पेटी बचती यानी कि रिमाइंडर भाई बचने का मतलब क्या है रिमाइंडर यहां पर रिमाइंडर हर बार क्या बचता है एक बचने का मतलब क्या है रविंदर क्या मतलब है बचने का सेसफल रिमाइंडर नोट रविंदर चलो बस हो गया सवाल ठीक है यहां पे ऑप्शन देखो ऐसी संख्या ढूंढो जिसको तीन चार पांच छह से भाग करने पर हर बार एक बचे और सात से भाग करने पर जीरो बचे बस हो गया सवाल तीन सौ एक पहले से ऑप्शन से देख लेते हैं तीन सौ एक तीन सौ एक को सात से भाग करो पूरा पूरा, पूरा भाग जाएगा क्या सात चौक अट्ठाईस तीन इधर चले गए सात इक्कीस जीरो बचता है तीन सौ एक को हम भाग करेंगे तीन चार तीन चार पांच छ से भाग करो तीन से भाग करोगे बिल्कुल एक बचेगा चार से भाग करोगे लास्ट के दो अंक काट के देखो जीरो एक है एक बचेगा पांच से काटोगे लास्ट का अंक काट के देखो एक बचेगा छह से काटो छीस एक बचेगा तो यहां पर हर बार रिमाइंडर क्या बच रहा है एक तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन तीन सौ एक सही जवाब होगा बिल्कुल मोनू लोकेन्द्र ज्योति जितेंद्र वेरी गुड यहां पर एक आंसर होगा ठीक है दो हजार तेरह दो हजार नौ में आया था सवाल ठीक है आगे बढ़ते हैं सभी लोग सिंपल सवाल था ठीक है तीन चार पांच छह से भाग करके देखेंगे भाई बचने का मतलब क्या है से भाग करके जीरो बचेगा तीन चार पांच छह से भाग करके एक बचेगा ठीक है आगे चलते हैं अगला सवाल यह सवाल करो अच्छा सवाल है यह सवाल करो भाई जरा एक मिनट एक मिनट भाई जरा सभी लोग ठीक है भाई जरा करो जरा सभी लोग करो भाई जरा तीन संख्याएं जो एक दूसरे के कोप्राइम है एक दूसरे की को प्राइम है प्रथम दो संख्याओं का गुणोत्तर गुणोत्तर मतलब गुणनफल पांच सौ इक्यावन है करो आप लोग दो संख्याओं का गुणनफल कितना है पांच अंतिम दो तीन संख्या है ए बी सी अंतिम दो बी और सी होंगी इनका गुणा कितना है एक हजार तिहत्तर तीनों संख्याओं का योग क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है अच्छा सवाल है वेट करता हूं आपके आंसर का सभी लोग आंसर बोलिए क्या आता है आंसर 2013 में आया सवाल ग्रुप डी में इलाहाबाद देखते कौन इसका सही जवाब देगा भाई जल्दी बोलो भाई आंसर कितना आंसर आता है इस सवाल का देखो सवाल है बढ़िया इसको हल्के मत लेना अच्छा सवाल है ये इसीलिए तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि क्या आंसर आएगा इस सवाल का जो भी इसे हल्के मिलेगा भाई साहब बचता आएगा चलो एक बार देख लेते हैं ट्राई कर लेते हैं कहा गया है तीन संख्याएं जो एक दूसरे के को प्राइम है। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य मैंने आपको बताया था को प्राइम का मतलब क्या होता है सह अभाज्य प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल पांच सौ इक्यावन है तो एक बात देखो संख्याओं का योग निकालना है कोई दिक्कत नहीं योग भी निकल जाएगा एक बार देखो जरा इस बात को क्या है ए गुणा बी कितना दे दिया ए गुना बी है पांच सो इक्यावन ए गुना बी पांच सौ इक्यावन तो मैं यहाँ पे ए संख्या ऐसी रखू बी संख्या ऐसी रखू जो मेरा गुणा करके इकाई का अंक कितना आ जाए एक आ जाए इकाई का अंक एक आ जाए और दोनों ही संख्या मुझे क्या रखनी है को प्राइम मतलब दोनों संख्या में आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए एक कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए तो यहां पे मैं क्या रख लेता हूं एक संख्या 19 और एक संख्या 29 अगर आप 19 गुना उन्तीस करेंगे तो कितना आएगा पांच सौ इक्यावन आएगा ठीक है बस अब हमें एक संख्या मिल गई है बी की वैल्यू मिल गई है उनतीस बी की वैल्यू मिल गई सबसे आसान तरीका यही होगा क्या आप दो संख्या रख के देख लो जिनकी गुणा करने के बाद क्या है पाँच और दोनों ही क्या होने चाहिए कोप्राइम तो बी की वैल्यू उनतीस मिल गई उनतीस यहाँ रखेंगे सी बराबर कितना एक हज़ार तिहत्तर काट देंगे इसे हम जरा सी की वैल्यू उनतीस चौक कितना आएगा एक सौ चार और ए इधर एक सौ छः नहीं आएगा छत्तीस उनतीस चौका अस्सी हो गया भाई और चार निम 36 ज्यादा हो जाएगा ये तो छ और ग्यारह ये ज्यादा हो जाएगा तीन बार दे दो तीन बार कितना आएगा सतासी तीन बार कितना आएगा सतासी तो तीन बार चला गया और हमारे पास कितना बचा यहां पर 20 बचेगा 20 इधर चला गया तो सात आई थिंक सात उनतीस सत्ते कितना आएगा चौदह सात निम त्रेसर दो सौ तीन बिल्कुल सैंतीस तो सी की वैल्यू क्या आएगी अपनी सैंतीस आएगी हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है ए बी सी की ए बी सी की वैल्यू निकल चुकी है अपने पास तीनों को जोड़ दो सैतीस जोड़ोगे उन्नीस जोड़ोगे और उनतीस जोड़ोगे तो नौ और नौ अट्ठारह अट्ठारह और सात पच्चीस का पांच का ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें लास्ट में पांच आ रहा हो यही है ठीक है ऑप्शन नंबर बी सही होगा बिल्कुल भाई जो भी आ रहे हैं सभी का वेलकम ठीक है एट्टी फाइव आंसर होगा इस सवाल को मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में डाल लो अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको एग्जाम में टाइम पी जाएगा ऐसा सवाल क्यों टाइम पिएगा क्योंकि आपको ए और बी के मान सोचने में टाइम लग जाएगा तो ऐसे सवालों के लिए भी आप तैयार रहें ग्रुप डी दो हजार तेरह में सवाल आया था आपका ठीक है अच्छा सवाल है करना जरूर है बिल्कुल मोनू प्राची ज्योति एट्टी फाइव आंसर आएगा विक्रांत बहुत बहुत स्वागत आपका ठीक है एट्टी फाइव आंसर आएगा अभी हम देख लेते हैं और कौन कौन सवाल अपने बाकी हैं इसमें आगे चलते हैं ये सवाल करो भाई सभी लोग अच्छा सवाल है ये ये भी थोड़ा ठीक सवाल है और बेसिक सवाल है इम्पोर्टेंट सवाल है ठीक है यहाँ पे जो है ऑप्शन वगैरह सब गलत हो रखे हैं आज तो। सैलरी सब सैलरी काट के रखूंगा बिल्कुल सबकी इनकी जितने भी हमारे टेक्निकल मेंबर हैं ऑप्शन में डाल सकते हो एक ये बी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है और सी ऑप्शन में डाल सकते हो दो ठीक है ट्राई करो पच्चीस को गुणा किया जाए तो दाई और शून्यों की संख्या सवाल थोड़ा गलत है सवाल में ध्यान दो सवाल बताता हूं आपको ओरिजिनली चेक करके बताता हूं चिंता मत करो थोड़ा सा वेट करो बस सवाल यह है एक एक तीन पांच इस तरह संख्या लिखी हुई है एक तीन पांच ऐसे करते हुए पच्चीस तक ऐसे करते हुए संख्या लिखी हुई है यानी कि अगर आप ध्यान से देखें विषम संख्याएं हैं एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस तेईस पच्चीस अगर लगातार इन विषम संख्याओं गुणा करें तो क्या कहा शून्यों की संख्या कितनी आएगी गुणनफल में दाई और और का मतलब है इधर से इधर से शून्यों की संख्या कितनी आएगी बताओ जरा सही से ठीक है बताओ जरा क्या आंसर आएगा देखते हैं कौन इस मरे हुए सवाल का आंसर देगा कुछ भी सवाल नहीं है और है भी बहुत कुछ समझदार बच्चे कर जाएंगे जो नए नए हैं वो फंस जाएंगे चेतन प्रकाश चौधरी आंसर कर रहे हैं दो देखते हैं भाई क्या करना है इस सवाल में एक बार देख लेते हैं क्या करना है टेंशन अपने को है नहीं सवाल का आंसर अब देखो कैसे आएगा एक से पच्चीस तक संख्याएं हैं एक तीन पांच सात सारे की सारी, सारी विषम संख्या है लिख लेते हैं एक बार ठीक है तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस तेईस और यहां पे पच्चीस देखो एक चीज देखो अगर पांच के साथ देखो पांच यहां पर है ध्यान से देखो पांच यहाँ पर है ठीक पांच यहाँ पर भी इकाई में और पांच यहाँ पर भी है एक बात बताओ पांच के साथ अगर मैं दो रख लूँ पांच के साथ चार रख लूँ पांच के साथ छह पांच के साथ आठ अगर मैं दो चार छः आठ रख लेता हूँ पांच के साथ या अगर पांच के साथ जीरो भी रख लूँ गुना में तो देखो पांच दूनी दस जीरो आएगी एक चार पंजे बीस जीरो आएगी पाँच छीस जीरो आएगी पाँच अट्ठे चालीस जीरो आएगी और पांच जीरो तो तब भी जीरो आएगी तो यहाँ पे ना तो क्वेश्चन में कहीं किसी की संख्या के पीछे जीरो है जो इकाई के अंक पे जीरो आ जाए ना ही पांच के साथ कहीं पे दो है चार है छः आठ है मतलब पांच के साथ कोई भी सम संख्या यहां पर नहीं है और किसी संख्या में जीरो भी नहीं है तो इस इतनी लंबी गुणा में गुणा करके भी हम लोग बर्बाद ही हो जाएंगे जीरो कभी आएगा ही नहीं यहां पे जीरो कभी आएगा ही नहीं जीरो कभी नहीं आएगा इस गुणा में ठीक है इस गुणा में कभी भी जीरो नहीं आएगा वेरी गुड नितेश मिश्रा राइट right. बिल्कुल सही बहुत बढ़िया भाई सभी ने आंसर कर दिया वेल well डन खुशी हुई इस बात की कि आप लोग सही समझ रहे हैं और सही कर रहे हैं ठीक है तो यहां पे राइट आंसर होगा जीरो इसकी गुणा में कभी जीरो आएगा ही नहीं है आगे चलते हैं अब कुछ नहीं करना है इस सवाल में आगे देखते हैं भाई ठीक है इतना ही था हमारा क्वेश्चन आज के हमारे खत्म अभी देखते हैं कुछ सवाल आपके स्टार्टिंग में रखे हैं क्या हमने ठीक है सारे सवाल लगभग हमारे हो चुके हैं यहाँ पे हाँ बिल्कुल लगभग हमारे सारे सवाल यहाँ पे हो चुके हैं ठीक है तो बस अब आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश यही है कि आप सभी लोग इस वीडियो को जाते जाते शेयर कर देना लाइक कर सकते हैं मर्जी है आपकी और इस वीडियो के नीचे ऐप और वेबसाइट अगर आपने ऐप आप डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप डाउनलोड करें इस पी को अभी अपडेट करा के वहां पर डलवा देंगे पंद्रह मिनट बाद जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं आप उन्हें करना ठीक है जीडी का बैच भी चल रहा है उसकी पीडीएफ भी वहां पे डलवा दी गई है ऑलरेडी पीडीएफ डाउनलोड करें जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो उस पीडीएफ को जरूर सॉल्व करें और सारी के सारी पीडीएफ परसेंटेज में जितना भी मैंने वहां पर कराया है वो सारी के सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी इस चैप्टर की नंबर सिस्टम की जो रेलवे के लिए चल रहा है स्पेशल सारी के सारी पीडीएफ इसकी भी मैं डलवा दूंगा कल सुबह तक ठीक है तो आप एक एक क्वेश्चन लगाओ मैंने नंबर सिस्टम में यहां पे अभी लेक्चर है बहुत सारे सवाल मैंने आपको करा दिए सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए टेलीग्राम ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए वहां पर जो जो आप डाउट भेजेंगे जो जो मैंने यहां पे कराया जितने डाउट आप भेजेंगे सब डाउट इकट्ठे करके एक दिन डाउट क्लास रखूंगा और सभी के मैं यहां पे डाउट क्लियर करा दूंगा ठीक है ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे ऑफलाइन क्लास चलती है आपके हर एक डाउट में इधर क्लियर कराऊंगा लेकिन बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए जितनी मैं मेहनत करूंगा उतनी मेहनती आप होने चाहिए एक मैं कभी आलस नहीं करने वाला आपके साथ क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी है पढ़ाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया मैंने अपनी जिंदगी केवल और केवल आप लोगों के लिए नौकरी छोड़ दी हर चीज छोड़ दी माँ बाप के सपने छोड़ दिए हैं अपनी जिंदगी को मैंने ऐसे खतरे की घंटी पर लटका लिया है मेरी लाइफ तो अब जो भी होगा होगा लेकिन आपकी लाइफ तो मेरे हाथ में है अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो जरूर आप और मैं मिलकर बदल सकते हैं बहुत कुछ बस आप लोग मेहनत कीजिए रेगुलर पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए आप अपने मां बाप का जो कमाई का पैसा लेते हैं बहुत मेहनत का पैसा है समझो उसे मैं समझता हूं 2010 से पढ़ाना स्टार्ट किया था आज तक पढ़ा रहा हूं घर से बहुत ही कम कभी कभी 99 परसेंट अपने आप किया जो भी है इसीलिए गर्व करता हूं अपने आप पे तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी भाई बहन दोस्त हैं सभी अपने आप पे गर्व करें जल्द से जल्द घर से पैसा लेना छोड़ दो कब होगा ऐसा जब आप कामयाब हो जाओगे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और बस बनना है तो बनना है ठीक है तो सभी साथियों से इजाजत चाहूंगा मिलेंगे कल इसी समय सभी लोग टाइम पे जाया करें और बस टाइम पे आए लगना चाहिए कि आप लोग पढ़ने का वेट कर रहे हैं मिल रहे हैं आपसे कल इसी समय तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार सभी को शुभ रात्रि सभी को ढेर सारा प्यार लव यू ऑल बाय